इटरनल्स। मार्वल यूनिवर्स की इस मूवी में न तो थोर है, न ही आयरन मैन और न ही बाकी के कोई एवेंजर्स, लेकिन फिर भी ये मूवी मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है। इस मूवी में हमें न्यू सुपर हीरोज दिखते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और ये सभी इटरनल्स होते हैं। तो आइए जानते हैं इटरनल्स मूवी की कहानी। मूवी के स्टार्ट में हमें सेलेस्टियल दिखाए जाते हैं। सेलेस्टियल्स ब्रह्मांड के बहुत बड़े और पावरफुल क्रिएचर होते हैं। ये सेलेस्टियल तब से ब्रह्मांड में मौजूद होते हैं जब से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है। जब ब्रह्मांड बना ही था तब ब्रह्मांड में सिर्फ अंधेरा ही था, और तब सेलेस्टियल के लीडर अरिशम ने सबसे पहले सूरज को बनाया, जिससे ब्रह्मांड में रोशनी हो गई, और इस सूरज से निकलने वाली गर्मी और ग्रेविटी से बाकी के प्लैनेट्स और तारामंडल बने, और इसके बाद उन प्लैनेट्स पर जीवन पनपा। इसके बाद बाकी के सेलेस्टियल ने बहुत सारी गैलेक्सीज बनाई और ब्रह्मांड में एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हुआ और लाइफ आगे बढ़ने लगी। लेकिन एनर्जी के इस फ्लो को बनाए रखने के लिए और भी सेलेस्टियल की जरूरत थी, इसलिए अरिशम ने उन ग्रहों को सिलेक्ट किया जिन पर जीवन अब विकसित हो चुका था, और फिर वहां सेलेस्टियल के बीज बो दिए। एक नए सेलेस्टियल को जन्म लेने में हजारों सालों का समय लगता है और उसे बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी उसे इंटेलिजेंट लाइफ से मिलती है, लेकिन किसी भी लिविंग प्लैनेट पर जीवन को विकसित होने में बहुत समय लगता है। हर एक लिविंग प्लैनेट पर शुरू में डायनासोर रहते थे, जिसके रहते इंटेलिजेंट लाइफ शुरू नहीं हो सकती, इसलिए उन्हें खत्म करने के लिए अरिशम ने डेवेंट्स नाम के क्रिएचर और उसने उन्हें ब्रह्मांड के सभी लिविंग प्लैनेट पर भेज दिया। इसके बाद डेवेंट्स ने डायनासोर को तो खत्म कर दिया, लेकिन डेवेंट्स की बनावट में कुछ गड़बड़ थी, इसलिए वो डायनासोर की तरह अब सबको मारने लगे। अपनी इस गलती को सुधारने के लिए अरिशम ने इटरनल्स नाम के नए जीव बनाए जो देखने में इंसानों के जैसे थे, मगर वो बहुत ही पावरफुल और अमर थे। इसके बाद अरिशम ने इटरनल्स को ब्रह्मांड के सभी जीवित प्लैनेट्स पर भेज दिया ताकि वो डेवेंट्स को मार सकें और बाकी के इंटेलिजेंट जीवों को बचा सकें। इसके बाद जब उस प्लैनेट पर इंटेलिजेंट जीवों की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो उस प्लैनेट में से एक सेलेस्टियन बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को एमर्जेंस कहा जाता है, जिसमें वो प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और सेलेस्टियल नए ग्रहों और गैलेक्सी को बनाता है, और इस तरह से निर्माण और विनाश का चक्र चलता रहता है। ईयर 5000 BC में, यानी आज से 7000 साल पहले, अरिशम ने 10 इटरनल्स को प्लैनेट अर्थ पर भेजा ताकि सेलेस्टियल टियामुट जिंदा हो सके। ये 10 इटरनल्स काफी पावरफुल थे और इनके पास अलग अलग पावर थी। उन इटरनल्स की लीडर अजेक थी, जो कि अरिशम से डायरेक्टली बात कर सकती, और वो अरिशम का मैसेज बाकी के इटरनल्स तक पहुंचाती थी। अजेक और उसके साथियों ने पहले भी बहुत से सेलेस्टियस बनाने में मदद की थी, लेकिन हरेक एमरजेंस के बाद अरिशम अजेक के अलावा बाकी के सभी इटरनल्स की याददाश्त मिटा देता ताकि वो इमोशनली किसी से अटैच ना हो। हर एक एमरजेंस के लिए अजेक के अलावा किसी भी इटरनल्स को याद नहीं रहता कि वो वहाँ सेलेस्टियल को जिंदा करने आए हैं। उन इटरनल्स को यह बोला जाता था कि वो ओलंपिया ग्रह के रहने वाले हैं और उन्हें डेवेंट्स को मारने वहाँ भेजा गया है। जब ये 10 इटरनल्स पृथ्वी पर पहुँचते हैं तो इन्होंने डेवेंट्स को तो मारना शुरू कर दिया और वो इंसानों के बीच घुल मिलकर रहने लगे। उस समय इंसानों की लाइफ एकदम से मामूली थी, पर ये इटरनल्स टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा एडवांस थे, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति से इंसानों के विकास में थोड़ी मदद की ताकि जल्द से जल्द उनकी आबादी बढ़े। पर अरिशम ने इटरनल्स को ये आदेश दिया था कि वो इंसानों को सिर्फ डेवेंट से बचा और उनके बाकी मामलों से दूर रहे ताकि वो पूरी तरह से इटरनल्स पर डिपेंड न हो। फिर इटरनल्स ने सदियों तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर डेवेंट्स को मारा और इंसानी सभ्यता का विकास किया। इसी बीच इक्रिस और सरसी नाम के इटरनल्स ने शादी कर ली और वो हैप्पीली साथ रहने लगे। इक्रिस एक बहुत ही ताकतवर और वफादार इटरनल था जो अजेक की हर बात मानता था। इसी वजह से अजेक ने ईयर 575 BC में, यानी पृथ्वी पर आने के 450,000 साल के बाद, इक्रिस को अपने असली मिशन यानी इमरजेंस के बारे में बता दिया। ये सुनकर इक्रिस को बड़ा, लेकिन क्योंकि वो अरिशम और इक्रिस का वफा, इसलिए उसने इस कड़वे सच को स्वीकार कर लिया और उसने धीरे धीरे सरसी से दूरी बनाना शुरू कर दिया। फिर सन 1521 में सभी इटरनल्स अलग हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सभी डेवेंट्स को खत्म कर दिया था। इसके अलावा कुछ इटरनल्स को अब अजेक की गुलामी पसंद नहीं आ रही थी और वो अपनी मर्जी से जीना चाहते थे, इसलिए अजेक सबको आजाद कर देती है और वो सब अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। इसके कुछ साल बाद इक्रिस भी सरसी को छोड़कर चला जाता है क्योंकि वो उसके सामने सच बोलकर मिशन फेल नहीं करना चाहता था।
फिर 500 साल बाद यानी सन 2018 में पृथ्वी पर इमरजेंस का टाइम, क्योंकि अब इस प्लैनेट की पॉपुलेशन काफी बढ़ चुकी है। लेकिन तभी थेनोस ने इन्फिनिटी स्टोन का यूज करके पृथ्वी की आधी पॉपुलेशन को नष्ट कर दिया। इससे दुनिया की आबादी कम हो गई और इमरजेंस रुक गया। लेकिन उसके 5 साल बाद यानी सन 2023 में एवेंजर्स ने इन्फिनिटी स्टोन इकट्ठे किए और अर्थ की आधी पॉपुलेशन को फिर से जिंदा कर लिया। इससे इमरजेंस फिर से शुरू हो गया और धरती पर अब छोटे मोटे भूकंप आने लगे। और क्योंकि अब इमरजेंस में सिर्फ 7 दिन ही रह गए थे, इसलिए इकरिस अजेक से मिलने उसके घर जाता है। इकरिस इस बात से बहुत खुश होता है कि अब उनका मिशन पूरा होने वाला। लेकिन अजेक इस बात से उदास थी। वो इकरिस को बोलती है कि बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले ये प्लैनेट और इसके लोग काफी अलग हैं। यहाँ के लोग भले ही आपस में लड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो मिलजुल कर साथ रहते हैं। वो खुश होना चाहते हैं और जीना चाहते हैं। और जब एवेंजर्स ने थेनोस की करनी को भी पलट दिया, तब अजेक को लगा कि इस प्लैनेट के लोगों को सेलेस्टियल के लिए कुर्बान करना सही नहीं, इसलिए उसने इमरजेंस को रोकने का फैसला कर लिया। लेकिन इकरिस को ये बात पसंद नहीं आई। उसका ये मानना था कि इंसानों की जिंदगी से ज्यादा सेलेस्टियल की जिंदगी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इकरिस मन ही मन अजेक के खिलाफ हो गया। फिर वो अजेक को अलास्का ले जाता है। वहाँ पर अब भी कुछ डेवियंट्स मौजूद जो कि सदियों पहले बर्फ में दब गए थे, लेकिन अब ग्लेशियर के पिघलने से वो बाहर निकल चुके थे। वहाँ इकरिस अजय को बोलता है कि वो इमरजेंस रोकना नहीं चाहता, इसलिए वो उन्हें धोखा नहीं देने देगा। फिर वो अजय को डेवियंट्स के सामने फेंक देता है और वहाँ डेवियंट्स का लीडर अजय की पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे वो मर जाती है। अजय के पास रीजनरेटिंग पावर थी, मतलब वो खुद को और दूसरे घायल लोगों को ठीक कर। लेकिन अब वो पावर डेवियंट्स क्रो को मिल जाती है। इसके साथ ही उसे अजय की याददाश्त भी मिल जाती है, जिससे उसे समझ आता है कि अरिशम और एटर्नल्स ने उनके साथ फिर क्रो अजय की पावर अपने साथियों में भी बांटता है। इससे वो और ताकतवर बन जाते हैं और वो सभी एटर्नल्स को मारने निकल जाते हैं। उधर इकरिस अजय की लाश को उसके घर पर छोड़ देता है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। दूसरी तरफ बाकी के एटर्नल्स इन सबसे अनजान और वो इंसानों के बीच एक आम जिंदगी जी रहे थे। सरसी अब लंदन के एक म्यूजियम में काम कर रही और वो स्प्राइट नाम की बच्ची जैसे दिखने वाली इटर्नल्स के साथ रहती थी। सरसी का इकरिस से रिश्ता खत्म हो गया था, इसलिए वो अब अपने कलीग डेन के साथ रह रही थी। फिर एक रात सरसी, स्प्राइट और डेन एक पार्टी से घर उन पर डेवियंट्स क्रो हमला कर देता है। सरसी और स्प्राइट उससे लड़ने की कोशिश करते हैं और तभी इकरिस भी वहां, लेकिन वो क्रो को मार कि अब उसके पास अजय की हीलिंग पावर थी। फिर इकरिस किसी तरह से क्रो को भी वहां से भगा देता है। इकरिस इमरजेंस तो होने देना चाहता था, लेकिन उसे अपने साथियों की भी फिक्र थी, इसलिए वो उन्हें बचा रहा था। डेन को इस घटना से सरसी, इकरिस और स्प्राइट की असलियत पता चल गई थी, इसलिए सरसी डेन को अपने बारे में सब बता और वो उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद सरसी और स्प्राइट इकरिस के साथ बाकी के इटर्नल्स को ढूंढने निकल जाते हैं ताकि वो सब मिलकर डेवियंट्स को मार सके। इकरिस तो यही चाहता था कि उसके साथी इमरजेंस तक बिजी रहें, इसलिए वो उनका ध्यान डेवियंट्स पर ही लगाकर रखता है। फिर वो तीनों अजेक से मिलने उसके घर जाते और वहां पहुंचते ही अजेक उन्हें मरी हुई मिलती है। इसे देखकर सरसी और स्प्राइट को डेवियंट्स पर ही शक होता है। फिर जब सरसी अजेक की लाश के पास बैठती है तो अजेक की बॉडी से वो एनर्जी बॉल बाहर निकलता है, जिसके जरिए वो अरिशम से बात करती थी और वो बॉल सरसी के अंदर चली जाती है। और तब सरसी को अरिशम की अजेक ने मरने से पहले सरसी को नया लीडर बनाने का सोच लिया था, क्योंकि सरसी को इंसानों से बहुत प्यार था और वो ही इमरजेंस को रोक सकती थी। इसलिए अजेक के मरने के बाद वो एनर्जी बोल सरसी को मिल जाती है। फिर इकरिस, सरसी और स्प्राइट मुंबई जाते हैं इटर्नल्स किंगो से मिलने, जो कि एक बॉलीवुड हीरो बन गया था। जब वो अजेक के मरने की खबर सुनता है तो वो भी उनके साथ शामिल हो जाता है। और फिर वो सब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं इटर्नल्स गिलगमेश और थीना मिलने। सरसी जब थोड़ा सा फोकस करती है तो वो अरिशम से बात कर पाती है और तब अरिशम सरसी को डेवियंट्स और एटर्नल्स का इतिहास बताता है और वो उससे बोलता है कि उन्हें अर्थ पर सेलेस्टियल टियामिट की इमरजेंस के लिए भेजा गया। ये सुनकर सरसी हैरान रह जाती है और वो अपने साथियों को इस बारे में बताती है और तब सभी इटर्नल्स उस इमरजेंस को रोकने का फैसला करते हैं। इस काम के लिए वो इटर्नल ड्रूग का साथ लेने की सोचते हैं। ड्रुग के पास माइंड कंट्रोल करने की पावर, इसलिए वो ड्रुग की मदद से टियामट को सुलाने की सोच रहे थे। फिर वो ड्रुग से मिलने अमेज़न के जंगल, वहां जब वो ड्रुग को सब बात बताते हैं और उसे इमरजेंस को रोकने को बता
तो वो थोड़ा घबरा जाता क्योंकि एक सेलेस्टियल का माइंड कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम था। ड्रुग सोचने के लिए थोड़ा वक्त लेता है, इसलिए बाकी सब वहीं रुक जाते हैं। उसी रात उस जगह पर डेवियंस हमला कर देते हैं। कुछ डेवियंस को तो इकरिस और किंगो मार देते हैं, लेकिन डेवियंस का लीडर क्रोग गिलगमेश को मार के उसकी पावर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो बहुत पावरफुल बन जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है। इसके अलावा वहाँ एक अजीब सी घटना होती है कि सरसी पहले अपनी शक्तियों से बेजान चीज़ों का ही रूप बदल सकती, वो अब जिस डेवियंस को छूती है वो एक पेड़ बन, मतलब सरसी की शक्तियाँ विकसित हो चुकी थी और वो अब जिंदा लोगों का भी रूप बदल पा रही थी। फिर वो सब गिलगमेश का फ्यूनरल और वो इटरनल्स फास्टोस को ढूंढने निकल जाते हैं। फास्टोस उनकी टीम का वैज्ञानिक था जो कि इन्वेंशन करने में बहुत एक्सपर्ट था। वो लोग फास्टोस की टेक्नोलॉजी और ड्रुग की पावर से टियामट को बेहोश करने की सोच रहे थे। फिर वो सब शिकागो जाकर फास्टोस से मिलते हैं और उसे कन्वेंस करके अपने साथ शामिल कर लेते हैं। इसके बाद वो इराक जाकर अपने स्पेसशिप बाहर निकालते हैं, जिसके अंदर इटरनल मक्कारी थी जो कि कई साल से वहीं रह रही थी। मकारी एक बहरी इटर्नल थी जो कि बहुत तेज दौड़ सकती थी। वहाँ फास्टोस सबको ये बोलता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी से सभी इटर्नल्स की पावर को मिला और उस मिलाई हुई पावर से ड्रुग टियामट को सुला सकता है। इस प्रोसेस का नाम यूनिमाइंड था, जिसके लिए फास्टोस कुछ ब्रासलेट बनाना शुरू करता है और वो मकारी को इमरजेंस की लोकेशन ढूंढने को कहता है। इस सबसे इकरिश खुश नहीं था और वो सबको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें इमरजेंस नहीं रोकना चाहिए, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। इसलिए इकरिस फास्टोस के काम को बीच में ही बर्बाद कर देता और वो सबको ये बोलता है कि अगर उन्होंने इमरजेंस को रोकने की कोशिश की तो वो सबको मार देगा। और तब सब लोग ये समझ जाते हैं कि अजय को इकरिस ने ही मारा है, इसलिए सब लोग उसके खिलाफ हो जाते, लेकिन स्प्राइट इकरिस का साथ देते और वो दोनों वहां से चले जाते। स्प्राइट इकरिस से इसलिए वो उसके साथ थी। इसके अलावा किंगो भी वहां से चला जाता है क्योंकि उसे भी इमरजेंस सही लग रहा था, लेकिन वो अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो न तो इकरिस का साथ देता है और न ही बाकी सबका। उधर फास्टोस के ब्रासलेट्स बनने से पहले ही तबाह और अब दोबारा वो काम शुरू करने का वक्त नहीं बचा था, इसलिए फास्टोस सरसी की बॉडी से वो एनर्जी बॉल निकाल लेता जो उसे अजेक ने दिया था और उस बॉल का यूज करके फास्टोस काफी जल्दी नए ब्रासलेट बना लेता है, जिन्हें पहनकर सब लोग तैयार हो जाते हैं और वो हिंद महासागर पहुंच जाते हैं क्योंकि वहीं ज्वालामुखी के पास इमरजेंस होने वाला था। वहां पहले से इकरिस और स्प्राइट होते हैं। जब बाकी टर्नल्स वहां आकर यूनिमाइंड की शुरुआत करते हैं तो इकरिस ड्रुग पर हमला कर देता है, जिससे ड्रुग घायल हो जाता है। फिर मकारी, थीना और फास्टोस इकरिस से लड़ना शुरू करते हैं और क्योंकि ड्रुग अब घायल हो गया था, इसलिए सरसी अपनी न्यू पावर से टियामट को मारने का फैसला करती है। उधर इकरिस और बाकी टर्नल्स की लड़ाई के बीच में डेवियंस क्रो आ जाता है और वो सबको मारने की कोशिश करता है, लेकिन थीना उससे लड़ती है और वो उसे मार देती है। दूसरी तरफ टियामट जमीन से बाहर निकलने लगता है, इसलिए सरसी उसे छूकर पत्थर बनाना शुरू करती है। तभी क्रिस फास्टोस की पावर से छुटकर सरसी के पास पहुंच जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है क्योंकि वो सरसी से प्यार करता था, इसलिए वो उसे नहीं मार पाता। और तब सरसी फिर से यूनिमाइंड शुरू करती और वो सभी टर्नल्स की पावर खुद से जोड़ लेती है। इस प्रोसेस में अब इकरिस और स्प्राइट भी शामिल थे और उस कंबाइंड पावर से सरसी टियामट के जमीन से बाहर निकलने से पहले ही उसे पूरी तरह से पत्थर बना देती है, जिससे इमरजेंस रुक जाता है और पृथ्वी बच जाती है। इसके बाद इकरिस को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो सरसी से माफी मांगता है और वो धरती छोड़कर सूरज में समा जाता है। उधर सरसी के पास अभी भी यूनिमाइंड की थोड़ी सी पावर बची थी, जिसका इस्तेमाल करके वो स्प्राइट को इंसान बना देती है क्योंकि स्प्राइट को बच्ची बने रहना पसंद नहीं था और वो भी बड़ी होकर दूसरों की तरह जीना। अब धरती पर 6 इटर्नल्स बचे थे, जिनमें से मकारी, ड्रुग और थीना अपना स्पेसशिप लेकर स्पेस में चले जाते हैं ताकि वे ब्रह्मांड में मौजूद बाकी सब इटर्नल से मिलकर उन्हें सच बता सकें। और सरसी, किंगो और फास्टोस अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं। फिर सरसी डेन से मिलती है, डेन उसे प्रपोज कर और वो सरसी को अपनी फैमिली की हिस्ट्री बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सेलेस्टियल अरिशम पृथ्वी के पास पहुंच जाता है और वो सरसी, किंगो और फास्टोस को अंतरिक्ष में लेकर चला जाता है। अरिशम उन्हें कहता है कि उन्होंने इंसानों को बचाने के लिए एक सेलेस्टियल को कुर्बान किया है,
इसलिए वो अब उनकी यादों से ये तय करेगा कि क्या इंसान सच में बचाने लायक हैं या फिर अरिशम उन तीनों को लेकर वहां से चला जाता है। अरिशम ने अब तो पृथ्वी को बख्श दिया था, लेकिन वो कुछ समय बाद वापस लौटेगा और अपना फैसला सुनाएगा। मिड क्रेडिट सीन में हमें मकारी, थीना और ड्रग दिखते हैं, जिनको उनके साथियों ने धरती से जवाब देना बंद कर दिया था, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि फास्टोस, सरसी और किंगो मुसीबत में हैं। तभी उनके स्पेसशिप में एक पोर्टल खुलता है, जिससे दो लोग बाहर निकलते हैं, जिनमें से एक थेनोस का भाई इरोस और उसका साथी पिप है। थेनोस और उसका पूरा परिवार इटरनल प्रजाति का था, लेकिन थेनोस में गलती से डेवियंट्स का डीएनए आ गया था, इसलिए वो थोड़ा अलग दिखता था। और उसका भाई इरोस एक पावरफुल इटरनल था, जिसे स्टारफोक्स के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ वो थीना, मकारी और ड्रू को बताता है कि उनके साथी बहुत बड़ी मुश्किल में हैं और वो उन्हें बचाने में उनकी मदद कर सकता है। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में डेन दिखता है, जो कि अपने म्यूजियम में एक तलवार निकालता है जो कि उसके पूर्वजों की थी। इस तलवार को इस्तेमाल करने वाले इंसान को कुछ शक्तियाँ मिल जाती हैं, जिससे वो ब्लैक नाइट नाम का एक हीरो बन जाता है। लेकिन ये एक श्रापित तलवार, जिसे इस्तेमाल करने वाला अक्सर बुरा बन जाता है, इसलिए डेन उसे उठाने से डर रहा था। पर लास्ट में जब वो उसे उठाने का फैसला कर लेता है, तब कोई अनजान इंसान उसे रोक लेता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको इटरनल मूवी की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू।